हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 19। क्या नाम है चैप्टर का? अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल कहाँ पे है? गार्डन में। ठीक है, तो नेम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है। कुछ तो भी ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानना है। ओके, अभी अब्दुल की यहाँ पे स्टोरी है। अब्दुल इन द गार्डन, यानी कि अब्दुल कौन? अब्दुल नाम का एक लड़का है। वो कहाँ पे है? गार्डन में है। उसकी अभी एक स्टोरी है। क्या है? इट वॉज अ हॉलीडे। हॉलीडे मतलब क्या? छुट्टी का दिन था। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू। अब्बू मतलब कौन? अब्दुल के फादर, है ना। तो अब्दुल क्या कर रहा था? अपने अब्बू को हेल्प कर रहा था गार्डन में। ठीक है, अभी अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। ठीक है, अभी अब्दुल के यहाँ पे क्या है? खेत है। वहाँ पे क्या है? सारे के सारे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, है ना, ऐसे बेड्स है। तो वहाँ पे वो अब्बू क्या कर रहे थे उसके, कि जो बेड्स है ऐसे, यहाँ पे सारे ट्रीज थे, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स वेजिटेबल्स के। तो वहाँ पे क्या था कि जो भी अगर कुछ ड्राइड लीव्स गिरे होंगे या फिर उसके बीच बीच में अगर कुछ ग्रास होगा, तो वो क्या कर रहे थे? वो अब्बू वहाँ पे वो क्लियर कर रहे थे, यानी कि क्लीन कर रहे थे। ठीक है, अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। फिर अभी हमारे पापा अगर कुछ तो भी काम कर रहे होते तो हमें भी क्या लगता है? हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। वैसे ही अब्दुल क्या करता है? जाता है और उनके पापा, उसके अब्बू की हेल्प करता है। तो वो क्या करता है? इस बेड में, बेड के बीच में जो कुछ भी ग्रास होगा तो वो क्या करता है? उसको पुल आउट करने का ट्राई करता है। ठीक है, ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। फिर वो जब ट्राई कर रहा था तो उसने, उसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि इतना छोटा ग्रास भी अगर हमें उसको पुल आउट करके निकालना है तो ये भी बहुत इजी बात नहीं है, क्योंकि हाथ रेड हो जाते हैं ना। अब आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो, अगर ग्रास को अगर आपको निकालना है खींच के, तो हाथ कैसे हो जाते हैं? रेड रेड हो जाते हैं ना, क्योंकि वो बहुत जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वो बाहर निकलता है। ठीक है, हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट। इतनी ताकत लगाने के बाद उसके हाथ कैसे हो जाते हैं? पूरे रेड हो जाते हैं, है ना, फिर थोड़ा सा वो दुखता भी है। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट। ठीक है, अभी हमने, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो क्लाइंबर्स रहते हैं, क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है? बेल, है ना। जो क्लाइंबर्स रहते हैं उनको क्या, किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर एक क्लाइंबर है, अगर वो ग्राउंड पे है तो वो पूरा ऐसे ग्राउंड पे फैल जाता है। अगर यहाँ पे अगर हमने एक स्टिक रख दी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये ऐसे इसको पूरा चढ़ जाएगा, है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो क्या करता है, ये निकालते निकालते, ग्रास निकालते निकालते क्या करते हैं, वहाँ पे पी प्लांट थे। पी प्लांट मतलब क्या? मटर के, है ना, मटर के प्लांट थे। तो मटर के प्लांट कैसे रहती? ऐसी क्लाइंबर रहती। तो वहाँ पे ऐसी स्टिक लगाई थी उसके अब्बू ने। तो उसने क्या कर दिया, एक काम तो वो कर रहा था ग्रास निकालने का, तो उसके साथ में इसको भी उसने निकाल दिया। अभी अगर ये टूट गया, ये स्टिक अगर टूट गई, तो ये जो क्लाइंबर है वो क्या हो जाएगा? पूरा नीचे गिर जाएगा, है ना, ये पूरा ब्रोक हो गया उसके बाद में। ओके, अब्बू सेड व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास। फिर अब्बू चिल्लाए, क्या बोला उन्होंने, तू क्यों ये काम कर रहा है ना, अगर तुझे नहीं जमता है तो मत कर। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रांग। उस अब्बू ने क्या बोला कि जो ये जो ग्रास की जो रूट्स होती है ना, ऐसा ग्रास रहता है पूरा, ये होता है ग्राउंड, इसके अंदर क्या रहती है, उसकी पूरी रूट्स रहती है ना। तो अब्बू ने क्या बोला कि जो ग्रास की जो रूट्स होती है ये कैसी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है ना। यू विल हैव टू डिग देम आउट। इसको ऐसे खींच के निकाल सकते हैं क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा। डिग मतलब क्या? इसकी साइड साइड की जो मिट्टी है, पहले उसको ऐसे निकालना पड़ेगा साइड साइड में, और फिर ये इजीली ऊपर आ जाएगा, है ना, ऐसे उन्होंने बोला। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। फिर अब्दुल ने क्या किया, केयरफुली डग आउट किया प्लांट को, है ना, इसलिए फिर अच्छे से वो निकल गया। ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वेयर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। फिर जब उसने ये निकाला तो उसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो ग्रास के जो रूट्स थे, है ना, ग्रास के या फिर किसी और प्लांट के, वो कैसे रहते हैं? जितना प्लांट हमें इतना ऊपर दिखता है बड़ा, लेकिन उसके रूट्स कैसे होते हैं? उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ये उसने ऑब्जर्व किया। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजिली। यानी कि जो स्टिक थी, है ना, ये ऐसे सिर्फ ग्राउंड में ऐसी खड़ी रखी थी वहाँ पे, है ना, सपोर्ट के लिए। तो वो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टिक थी वो तो इजिली निकल गई, है ना,
लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास. लेकिन अभी इतनी बड़ी स्टिक तो इजीली निकल गई, लेकिन इतना छोटा सा ग्रास तो इतने जल्दी से आसानी से नहीं निकला, इतना डिफिकल्ट हो गया. ऐसा क्यों हो गया? फिर उसने ये सोचा. ठीक है, तो ऐसे क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो स्टिक थी वो कैसी थी? सिर्फ ऐसे सपोर्ट के लिए वहाँ पे रखी थी, लेकिन ये जो ग्रास था वो कैसे था? नीचे पूरा इसके अंदर रूट्स थे. और रूट्स का क्या काम होता है कि वो रूट्स क्या करते हैं, इस ज़मीन को ऐसे पकड़े रखते हैं ना. तो यहाँ पे ऊपर ये ग्रास है, तो रूट्स क्या करते हैं, इस ये जो प्लांट है उसको अच्छे से सॉइल के यहाँ पे रखते हैं. तो ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि ये जो ग्रास था वो क्या करता है, इसके नीचे के रूट्स क्या होते हैं, ग्रास को पकड़ के रखते हैं ज़मीन को, है ना. इसलिए वो इतनी इजीली निकल गया कि ऊपर नहीं, इसलिए वो हार्ड गया. और ये जो स्टिक थी वो तो ऐसे ही हमने सपोर्ट के लिए रखी थी, इसलिए वो क्या होगी, इजीली निकल गई. अभी नेक्स्ट क्या है, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, सभी प्लांट्स को रूट्स होते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है, येस ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. सभी प्लांट को, कितना भी छोटा प्लांट हो या फिर कितना भी बड़ा, हर एक प्लांट को क्या रहता है, रूट्स होता ही होता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू. अभी आपको क्या करना है, अपने घर के आजू बाजू में देखना है कौन कौन से प्लांट है ना, कौन कौन से छोटे छोटे ट्रीज, मतलब क्या शर्ब्स है, ये आपको देखना है. इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दिस आर. और आपको क्या करना है, देखना है कि कितने डीप तक इसके रूट्स है ना, कि कितने किसके रूट्स ज़्यादा बड़े हैं, कितने किसके रूट्स ज़्यादा छोटे हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है. अभी नेक्स्ट क्या है, आफ्टर थ्री डेज अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैज डाइड. उसने क्या देखा तीन दिनों के बाद, कि जो उसने निकालते ग्रास निकालते निकालते जो पी प्लांट टूट गया था ना, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ड्राइड हो गया, यानी कि पूरा सूख गया, मुरझा गया. क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा, आप सोचो. गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप. और आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्ट उसका सूख गया होगा, ड्राई हो गया होगा, और क्यों, इसका आंसर आपको सोचना है. अभी क्या होगा इसका आंसर, अभी तीन अगर ये टूट गया है ना, बीच में से टूट गया, इसके रूट्स तो पूरे निकल गए, तो रूट्स का क्या काम होता है, कि जो भी है वाटर में से जो मिनरल्स या ज़मीन में से जो कुछ भी मिनरल्स मिलते हैं, उसके बाद क्या वाटर होता है, वो खींचने का काम कौन करते हैं, रूट्स करते हैं. अगर हमने भी बहुत दिनों तक अगर पानी नहीं पिया है ना, खाना नहीं खाया, तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या बहुत दिनों तक? नहीं. हमारा चेहरा भी कैसे मुरझा जाता है ना, अगर थोड़ी देर भी अगर हमने देर से खाना खा लिया तो, है ना, क्या, क्योंकि हमें वाटर चाहिए, फूड चाहिए, है ना, लिव करने के लिए. वैसे ही प्लांट को भी किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है. लेकिन अगर ये रूट्स, अगर ये पार्ट टूट ही गया, रूट्स अलग हो गए और ऊपर का पार्ट अलग हो गया, तो ये पानी मिल पाएगा क्या ट्री, ये पी प्लांट को? नहीं मिल पाएगा. अगर पानी ही नहीं मिला तो वो फिर प्लांट जिंदा रहेगा क्या? नहीं. इसलिए वो क्या हो गया, पूरा सूख गया, क्योंकि उनको पानी ही नहीं मिलता, और ऊपर से इतना सनलाइट है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये जो उसके उसके पत्ते है ना, वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ वाई, इसका वाई का आंसर क्या है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, कुछ भी उनको वाटर नहीं मिलता है प्लांट को, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सूख जाता है. ठीक है, अबू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश. अबू को क्या याद आ गया, कि मुझे क्या ले जाना था घर पे, कुछ तो भी रेडिश लेके जाना था, थोड़ी है ना, मूली. रेडिश को क्या बोलते हैं हम, मूली बोलते हैं हिंदी में. तो अबू को क्या याद आ गया, कि मुझे घर क्या लेके जाना था, रेडिश तो मुझे लेके जाना था. ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. अभी सबको पता है रेडिश हो, कैरेट हो, शलगम हो, है ना, बीटरूट हो, ये सब कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन के अंदर उगते हैं ना, ये भी एक टाइप का रूट ही होता है ना, उसको उसके उसको ऐसे रूट रूट प्लांट बोलते हैं उसको हम. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया फिर, कि जो रेडिश के रेडिश थे वो उन्होंने खींचना चालू कर दिया सॉइल में से. ठीक है, क्योंकि उनको घर पे लेके जाना था. अब्दुल वंडर्ड वेदर दिस वेयर आल्सो रूट्स. उसने अभी वो सोच में पड़ गया, क्योंकि हमने क्या देखा था, ऊपर पूरे प्लांट्स आते हैं, नीचे रूट्स होते हैं. लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया, कि रेडिश है, कैरेट है, ये तो पूरा ज़मीन के अंदर ही आता है, ऊपर तो उसका कुछ दिखता ही नहीं है. तो ये सोच में पड़ गया कि ये भी क्या रूट्स ही है क्या. तो ओनली अ फ्यू रेडिश वेयर पुल्ड व्हेन देयर वॉज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन. अभी अबू क्या कर रहे थे, रेडिश को निकाल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे के बहुत सारे निकल पाए के वो नहीं निकल पाए, थोड़े से ही निकल पाए, क्योंकि क्या हुआ,
सडनली क्या हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आ गया और रेन आ गया, बहुत जोर की बारिश हो रही थी है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़े से ही रेडिश निकालिए। बोथ ऑफ देम पिक अप द रेडिश एंड रन, दोनों ने क्या किया, थोड़े थोड़े रेडिश निकाल दिए और भाग गए, क्योंकि इतनी बारिश आ रही थी है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता बारिश में, उनको लगता है कि अगर कुछ हमें हो जाए तो, इसलिए बारिश और बहुत सारी ठंडी हवा छूट गई थी, इसलिए वो क्या किया, थोड़ा से उन्होंने रेडिश ले लिया और वो कहीं जाके छुप गए। ठीक है, दे हैड जस्ट रीच होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इज इन द कोर्ट यार्ड ब्रोक एंड फेल। अभी वो घर पे जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हो गया फिर, कि जो नीम का पेड़ था उसकी ब्रांच है ना, अभी ये है नीम का पेड़ बड़ा सा, ठीक है, अभी ऐसे मैं ड्रॉ करती हूँ, तो इसका क्या हो गया, रास्ते पे ये पूरा आधे से ये पार्ट वहीं पे रह गया, और ये जो ऊपर का पार्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे गिर गया है ना, उनके रास्ते के बीच में ये गिर गया। इन फैक्ट अबू वॉज लकीली टू हैव मिस बाय द ओनली फ्यू इंचेस, वो तो क्या हुआ, बाल बाल बच गए वो, नहीं तो ये क्या हो जाता, उन पे गिर जाता। ठीक है, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेंड फॉर्म ऑन द ग्राउंड। अभी इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से हवा हो रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो ट्री था वो तो ग्राउंड में रह गया है ना, सिर्फ ये ऊपर की जो यहाँ से जो ऊपर की ब्रांच थी वो क्या हो गई, नीचे गिर गई। दे बोथ सैट डाउन टू हैव अ टी विथ अम्मी, फिर वो घर पे आ गए और फिर दोनों के दोनों बैठ गए, इतनी ठंडी से भीग के वो आ गए थे। अभी हम जब भी ठंडी होती है तो हमें चाय पीने का बहुत मन करता है ना, तो वैसे ही वो दोनों क्या हो गए, बैठ गए और कहा, किसके साथ में, अबू की जो सॉरी अब्दुल की जो मम्मी थी उन यानी कि उसकी अम्मी, तो वो क्या हो गए, उनके हाथ की चाय पीने के लिए बैठ गए। अभी अबू सेड टू अब्दुल, अभी अबू ने अब्दुल को क्या बोला, द प्लांट्स वेयर गेटिंग ड्राई, वो प्लांट क्या हो गए थे, सूख गए है ना, वो सूख रहे हैं। नाउ दैट इट हैज़ रेन, अभी क्या हो गई, अभी तो प्लांट क्या हो रहे थे, सूख रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, बारिश आ गई। वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, अभी हमें प्लांट को पानी देने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि बारिश तो आ गई, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अभी तो प्लांट्स सारे सूख गए थे, लेकिन अभी क्या हो गई, बारिश आ गई, इसकी वजह से अभी हमें जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो अभी टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बैठ के लूडो खेल सकते हैं, ऐसे अब्दुल को बोला। ठीक है, अब यहाँ तक सबको लेसन समझ में आ गया होगा कि वो क्या करते हैं, खेत में जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें क्या करता है अब्दुल, ऑब्जर्व करता है। पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व करता है कि ग्रास तो इतना छोटा सा होता है ना, उसके लीव्स ऊपर दिखते हैं, लेकिन उसके लीव्स के भी बहुत ज़्यादा बड़े क्या होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, और रूट्स की वजह से वो क्या होता है, वो टाइटली स्टिक रहता है हमारे सॉइल को है ना, इसलिए हम इजी से उसको पुल आउट कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर हमें ग्रास को पुल आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रास के आजू बाजू में थोड़ा सा खोदना पड़ता है ना, उसकी वजह से फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली निकाल सकते हैं ऊपर से। ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक प्लांट को, कितना भी छोटा हो प्लांट हो या फिर कितना भी बड़ा, हर एक प्लांट को क्या रहते हैं, हमेशा रूट्स तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये उसने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पी प्लांट था है ना, पी प्लांट जो था, मटर का प्लांट, उसने क्या किया था, गलती से वो टूट गया था है ना, और तीन दिनों के बाद क्या हो गया, वो जो प्लांट था टूटा हुआ वो क्या पूरा से सूख गया है ना। क्यों सूख गया, क्योंकि उसके रूट से वो अलग हो गया था। अगर रूट से अलग हो गया तो उसको पानी नहीं मिल सकता है ना, अगर पानी ही नहीं मिला तो कोई भी पेड़ जिंदा रह सकता है क्या, नहीं। उसको पेड़ को जिंदा रहने के लिए पानी की जितनी ज़रूरत होती है उतनी सनलाइट की भी होती है। अगर दोनों में से अगर एक भी अगर कुछ ज़्यादा है या फिर एक भी कम है तो वो प्लांट जिंदा नहीं रह सकता है ना, तो ये उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद उसने और एक बात क्या ऑब्जर्व की कि जो रेडिश है या फिर कैरेट है या फिर शलगम है या फिर बीट रूट है, ये सब क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर आते हैं है ना, ज़मीन के अंदर उगते हैं, तो ये भी क्या है, एक टाइप के रूट प्लांट्स ही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या देखना है, व्हाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। अभी उन्होंने हमें क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। अभी हमने क्या सोचा कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतनी इतनी हवा छूट रही थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ,
ट्री का सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही नीचे गिर गया, पूरा ये जमीन में से निकल गया क्या? नहीं, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जितना बड़ा ये ऊपर दिखता है हमें ट्री, उतना ही नीचे क्या होता है, इसके रूट्स बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्री है वो सॉइल से क्या होता है, अच्छे से जकड़े रहता है। इसकी वजह से क्या हो गया, फिर वो स्ट्रॉन्ग वाइंड के इस होने के बाद भी वो नहीं गिरा नीचे। सो अभी ये हमने, उसने क्या सोचा कि इतनी बारिश हो रही थी, इतना स्ट्रॉन्ग वाइंड था, इसके बाद भी क्या हुआ, वो नीम ट्री पूरा का पूरा नहीं गिरा। क्यों? बिकॉज नीम ट्रीज हैव बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट्स इन द सॉइल, है ना। नीम के ट्रीज को क्या होते हैं, उसके जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत डीप होती है, यानी और कैसी होती है, बहुत डीप रहती है, बिग भी रहती है ना, बहुत दूर दूर तक फैली रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो सॉइल से वो पेड़ कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एंकर्ड द ट्री स्ट्रांगली। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि नीम ट्रीज हैव बिग स्ट्रांग एंड डीप रूट्स इन द सॉइल, यानी कि नीम के ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एंड डीप होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दैट एंकर द ट्री स्ट्रांगली, यानी कि वो रूट्स क्या करते हैं, उस ट्री को जकड़ के रखते हैं सॉइल से एकदम स्ट्रांगली, है ना। इसकी वजह से वो क्या होता है, पूरा गिरता नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन एंड हाउ। अभी क्या उन्होंने क्या बोला कि ऑन पुटिंग द वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग, अभी अगर हमने प्लांट्स को पानी दे दिया, ठीक है, सॉइल में, तो वो कैसे ग्रो होते हैं फिर, और उसके लीव्स वापस फ्रेश कैसे रहते हैं, और कैसे, ये हमें इसका आंसर लिखना है। अभी आंसर क्या है, लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट गेट वाटर एंड अदर नेसेसरी आइटम्स थ्रू वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो लीव्स है ना, प्लांट्स को कौन कौन से पार्ट रहते हैं, लीव्स रहती है, स्टेम रहते हैं, है ना, ये जो रहते हैं फ्लावर्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, उनको जो नेसेसरी आइटम चाहिए, नेसेसरी आइटम्स मतलब क्या होते हैं, हमारे हम सबको पता है सॉइल्स में क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं ना, जो भी हमें मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए सॉइल में से, तो वो कौन लेके आता है ट्रीज को, वो सब रूट्स के थ्रू आता है ना। रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में का जो भी पानी है वो खींच के लेते हैं, उसके बाद मिनरल्स, और वो सब पार्ट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जो अगर ये पूरे मिनरल्स जो है, अगर वो अच्छे से हर एक पार्ट्स के पास अगर पहुंच गए, तो प्लांट की क्या होती है, फिर ग्रोथ होती है ना। इसी तरह से ये इसका आंसर है। हाँ, व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर, अभी आपको क्या लगता है कि हर प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है क्या? तो इसका आंसर है येस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर। अगर किसी भी अगर पेड़ को अगर हमने पानी नहीं दिया तो वो फिर मर जाएगा, है ना, डाई हो जाएगा, वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वैसे ही हमारे बॉडी को भी अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमें अच्छे से फूड खाना चाहिए, है ना, अच्छा फूड, न्यूट्रिएंट्स जिसमें हो ऐसे खाना खाना चाहिए, और पानी भी पीना चाहिए, ठीक है। अभी विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, अभी कुछ कुछ पेड़ पौधे हमारे आसपास ऐसे रहते कि अगर उसको हमने थोड़ी देर भी अगर पानी नहीं डाला, कुछ एक आध दिन में अगर पानी नहीं डाला, तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो ऐसे कौन से प्लांट है जिसको हमें रेगुलर वाटरिंग करना पड़ता है, रोज़ पानी देना पड़ता है, तो क्या है, फ्लावर पॉट्स, है ना, छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं फ्लावर्स के, कि उसमें हमें रोज़ पानी डालना ही पड़ता है। स्मॉल पॉटेड प्लांट्स लाइक कैसे, तुलसी का जो प्लांट होता है ना, वो उसके बाद में मनी प्लांट रहता है, उसको हमेशा पानी चाहिए, अगर हमने उसको पानी नहीं दिया तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, वो मुरझा जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, वॉट विल हैपन इफ नो बडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट, अगर हमने ये प्लांट्स को अगर पानी दिया ही नहीं तो क्या होगा फिर, तो इन द स्कैरसिटी मतलब क्या, अगर हमने पानी नहीं दिया, पानी की कमी की वजह से क्या हो सकता है, इन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ देम उल्टा है, उसमें से क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स तो क्या हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, यानी कि मुरझा जाएंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये सभी के सभी आंसर्स क्वेश्चन लिखने के बाद ये आंसर्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं अच्छे से, ठीक है, गुड हैंडराइटिंग में, और उसको पढ़ना भी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री, फिर अब्दुल को क्या रियलाइज हुआ, मैंने तो कभी भी नीम के पेड़ को तो कभी पानी दिया ही नहीं था, वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम, तो उसको पानी मिला कहाँ से, तो वो तो मुरझा जाना चाहिए था, लेकिन वो कैसे है, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो गई,
है ना, वो इतना स्ट्रांग भी है लेकिन मैंने तो कभी उसको पानी भी नहीं दिया था। तो ये उसने सोचा, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग, आपके आजू बाजू में ऐसे कौन से प्लांट है जिसको हमेशा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, और वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, और उनको पानी कहाँ से मिलता है। फिर हमें इस दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, ह्यूज ट्रीज, यानी कि ह्यूज मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज रहते हैं, जैसे कि कोकोनट का रहता है ना, बनियान का ट्री, बनियान ट्री रहता है, उसके बाद नीम का, नीम ट्री होता है ना, इनको हमेशा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन उसकी, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। तो क्यों, ह्यूज ट्रीज लाइक कोकोनट ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री एक्सेट्रा गेट वाटर फ्रॉम द डीप अंडर द ग्राउंड एंड रेन, उनको कहाँ से पानी मिलता है, उनकी जड़ें तो हमने पहले ही देखा था कि उनकी जड़ें कैसी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी रहती है, स्ट्रांग भी रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर उनके आसपास ग्राउंड में कहीं पानी है तो वो क्या करते हैं, डीप बहुत ग्राउंड के अंदर से पानी क्या लेते हैं, खींच के लेते हैं, है ना। अगर हमने उनको पानी दिया भी नहीं फिर भी वो उनकी रूट्स इतने स्ट्रांग रहते कि वो खुद ही पानी ज़मीन के अंदर से खींच लेते हैं। और उसके बाद क्या, अगर बारिश आती है तो वो भी पानी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ह्यूज ट्रीज को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज वो क्या करते हैं, डीप अंडर द ग्राउंड वो वाटर लेते हैं और रेन का जो भी पानी होता है वो भी वो लेते हैं। उसके बाद है, अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट, फिर अब्दुल ने क्या सोचा कि रूट्स के कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन के अंदर, और उसने क्या देखा था कि रेडिश भी कहाँ पर रहता है, ज़मीन के अंदर ही रहता है, तो उसको क्या लगा कि रेडिश भी क्या है, एक रूट ही है। तो उसका, उसने ऐसे क्यों सोचा ये हमें बताना है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है, यस रेडिश एक रूट है क्या, यस रेडिश एक रूट है, रेडिश ही नहीं बल्कि कैरेट भी है, उसके बाद बीट रूट भी है और शलगम भी, ये भी क्या है, रूट ही है। तो यस रेडिश इज द रूट पार्ट ऑफ इट्स प्लांट्स, बिकॉज रेडिश जो होता है, जो हम खाते हैं, वो क्या है, उसका रूट प्लांट है, ठीक है, रूट पार्ट है उस प्लांट का, ठीक है। अब्दुल थॉट बिकॉज लाइक ऑल रूट्स रेडिश टू ग्रीव अंडर द सॉइल, उसने क्या सोचा कि जैसे ऑल प्लांट्स के रूट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं, वैसे ही रेडिश भी कहाँ पे ग्रो होता है, ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर कौन सा पार्ट ग्रो होता है, रूट, तो इसका मतलब रेडिश भी क्या है, एक रूट ही है, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से नोटबुक में लिख के लेने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल्स आर रूट्स, अभी हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन कौन से वेजिटेबल्स जो दिखाए हैं वो रूट्स है, ठीक है। अभी रूट्स मतलब क्या, जो ज़मीन के अंदर आते हैं, कौन कौन से, ये ब्रिंजल ज़मीन के अंदर आता है क्या, नहीं, तो ये रूट्स नहीं है। अभी ये कैरेट आता है तो ये रूट है, उसके बाद ये क्या है, शलगम है, ये भी ज़मीन के अंदर आता है तो ये भी रूट है, और उसके बाद है बीट रूट, ये भी ज़मीन के अंदर आता है, और रेडिश भी है ना, ये भी ज़मीन के अंदर आता है, बाकी ये सब ज़मीन के ऊपर आते हैं इसलिए ये रूट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है लेसन और सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।